हाँ सर, मैं वहाँ पे घर पे सो रहा था, और घर पे सो रहा था तब मेरे पास वो जसुराम का भाणेज दुर्गाराम आया, और उसने आके मेरे को बोला कि मेरे साथ चलना है। तो फिर मैं उसको मना किया, मैं नहीं चलूँगा, तो उसने बोला कि चलना पड़ेगा, तो आधा घंटे के अंदर वापस आते हैं। तो मैं उसके साथ चला गया, और वहाँ पे उसने फ़ोन पे बात किया, पता नहीं क्या बात किया, किससे किया। तो फिर वो सेनपा फाटा पे गए रास्ते में, तो वहाँ पे जाके उसने वो बोरी लेके आया मेरे पास, और बोरी में क्या था क्या नहीं था उसने मेरे को पूछा। मैंने उसको पूछा कि वो क्या लाया है, तो उसने बोला कि इसमें मूँगफली है। और वो कौन था आया वो, तो उसने बोला कि वो जोगाराम के नाराम निबलकोट का है। किस थाने की घटना है ये? भाई तो थाने की घटना है। आपको थानेदार ने क्या कहा? वो तो फिर हम वहाँ गए नौसर गांव में, तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो मेरे को कोई शक नहीं था, मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया। तो मोटरसाइकिल रोक के, तो वो 5-7 तारीख शाम को बात है, तो मोटरसाइकिल रोक की, तो मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया और वो पीछे से भाग गया डोडा की बोरी लेके। तो उधर 3 आदमी उसके पीछे गए रुगाराम के, और मैं वहाँ पे मेरे को एक आदमी ने पकड़ लिया, तो उसके पीछे जाके उसको भी पकड़ के लेके आए। तो डोडो की बोरी उसके पास थी, वो ले ली और किसी से फ़ोन पे बात करके उसको छोड़ दिया पुलिस वालों। अभी आप कहते हो? और फिर भाई आप क्या चाहते हो इसका? सर न्याय मेरे को मिलना चाहिए। किससे मिलना है? एसपी से, कलेक्टर और एसपी से, और मेरे को बिल्कुल झूठा फंसाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।